आज मैं कहना चाहती हूं कि जो मुनव्वर राना की बेटियों पे एफआईआर दर्ज हुई है, तो उस पे मुनव्वर राना बहुत आगे बढ़ चढ़ के ये बात कर रहे हैं कि बेटियों के बारे में, बेटियों के फेवर में बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि जिस टाइम मुस्लिम समुदाय से महिलाएं 3 तलाक का दंश झेल रही थी, वो भी तो अपने कौम की बेटियां थी, जिस टाइम वो ये दंश झेल रही थी, सड़कों पे उतर के आ गई थी, उन अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके सड़कों पे उतर के आ गई थी, उस टाइम मुनव्वर राना जी ने इस तरह की कोई कमेंट नहीं की है, कोई बात नहीं की। आज अपनी बेटियों पे एफआईआर दर्ज हो गई तो आपको बेटियों की चिंता सताने लगी। जब 3 तलाक जैसा दंश जो एक परिवार को बिखेर देता है, बच्चे, बीवी सब एकदम बिखर जाते हैं, परिवार बिखर जाता है, उस टाइम मुनव्वर राना ने किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की, इन महिलाओं के लिए कोई फेवर में बात नहीं की। उस टाइम भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने आके इन महिलाओं के दर्द को समझा और इस पे कानून लागू किया। तो मेरा कहना यही है कि मुनव्वर राना की बेटियों पे